हम भी बहुत हैं और मैं यही दुआ करती हूँ कि आदम खान साहब जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। सब लोग पूछते हैं कि खैरियत है, मैं कहती हूँ हाँ खैरियत है, लेकिन असली खैरियत तो उसी दिन होगी जिस दिन हमारे भाई आदम खान साहब हमारे बीच में आ जाएंगे। बहुत दुख है हमें, हम नमाजें पढ़ पढ़ के उनके लिए दुआ मांगते हैं। यह सरकार कब तक जुल्म करेगी, कब तक उनको जेल में रखेगी? शेर को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। जिस दिन हमारा शेर दहाड़ तब आएगा, उसकी दहाड़ से पूरा हिंदुस्तान गूंजेगा इंशाअल्लाह। अब बस मैं यही दुआ करती हूँ, सबको मुबारकबाद देती हूँ जो हटे की, और सभी लोगों से ये कहूँगी, हिंदू हो मेरे भाई मुसलमान हो, सभी से यही कहूँगी कि उनके लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। और हम भी एक प्रोग्राम बनाएंगे बहुत जल्दी अखिलेश जी से मिलने का, क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, आप कुछ करिए, हम आपके साथ मिल के चलेंगे। आदम खान साहब के लिए आप बोलिए, देखिए सरकार कितना जुल्म कर रही है। Thank you.